हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फंडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी 2018 के फुल नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी रात के 12 बजे हुए हैं, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो हमारे पास है ये आ चुका है। मैं आपका पहले ऑथेंटिसिटी का सोर्स बताऊंगा इसका, ये कहाँ से आया है, उसके बाद जो है हम पूरी वीडियो में हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या पूछी गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस है, क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्या आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम की डिटेल्स क्या क्या हैं। तो इस वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नई दिल्ली 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2018 तक, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है और 54,000 वैकेंसीज इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज NIA SSF एंड असम राइफल्स। तो पेज नंबर 5 से 14 पे जो है जितनी की सारी जो है डिटेल्स इसमें एस एस सी के बारे में दी गई हैं, और पेज नंबर 5 आने वाला है। देखिए दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपका नोटिफिकेशन शुरू होता है पेज नंबर 5 से यहाँ पे, और पूरा का पूरा 10 पेजेस का ये पूरा नोटिफिकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं थी, वो वीडियो भी ऑथेंटिकेटेड थी बिल्कुल, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोई भी जो है आपको फॉल्स सोर्स से जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड ही होगी, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन शुरू करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में वो सब आपको जो है डिस्कस करके इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। इस वीडियो को पूरा दोस्तों एंड तक आपको देखना है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो आपका शुरू हो जाएगा 21 जुलाई 2018 को, ठीक है। और जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की वो है 20 अगस्त 2018, यानी पूरा एक महीने का टाइम है जो आपका वो आपके पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, उसकी डेट सभी कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो आपको बाद में पता चलेगी, हम अलग से उसके लिए जब आएंगे तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पोस्ट हैं, देखिए दोस्तों कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी की जितनी भी पोस्ट हैं वो किस किस के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इसमें आपके सारी की सारी पाँच की पाँच जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज वो हैं इसमें, उसके अलावा NIA है, SSF है और राइफलमैन जिडीन असम राइफल, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर जो है आपका जो है जॉब लगेगी। और इसमें बोला गया है स्पेशली वुमन कैंडिडेट हैं उनको अनकरेज किया गया है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से उसमें वो हैं। सबसे पहले आपका देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपका जो होगा आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको पहले रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो लोग रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे फिर उनका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपको फिजिकल आपका कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी आपकी मेजरमेंट वगैरह बाद में होगी, और उसके बाद होगा आपका फाइनली मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ वगैरह लगेगी और फाइनल रिजल्ट जो है आपका अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें उसके बाद अलग अलग आगे जो चीज़ें बोलता है वो बोलता है कि ये जो जितनी वैकेंसीज वगैरह है सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है भेजी गई हैं। उसके बाद आपका सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में होगा, ठीक है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, जो लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से। रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन आपका डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद कोई बंदा अगर मेडिकल में रह जाता है कोई कमी के कारण तो उनका रिव्यू मेडिकल भी होगा, ठीक है। तो उनको कुछ टाइम मिलेगा उस चीज़ों कमियों को ठीक करने का जो कमियाँ ठीक हो सकती है उनके लिए, और उसके बाद जो है फिर रिजल्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आगे जो है वैकेंसी जो है कॉन्स्टेबल GD की NIA और SSF में, ठीक है, वो ऑल इंडिया बेसिस पे भरी जाएंगी, लेकिन जितनी भी CAPF की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो आपकी जो है स्टेट वाइज भरी जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, कोई एस्पिरेंट है, वो मान लीजिए पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो पंजाब रीजन के उसमें ही फॉर्म भरेगा। तो नीचे हम सब कुछ दिखाएंगे, कोड वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो पूरा एंड तक इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। लेकिन जो NIA और SSF की जो वैकेंसीज है वो ऑल इंडिया बेस पे रहेंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन आपका कुछ इसमें जो है बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिए गए हैं 12वें पेज पे, वो आप देख सकते हैं उसमें बाद में, ठीक है। और इसका जो PDF है इस पूरी फाइल का, ये आपको जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और कमेंट में भी उसका लिंक जो है हम डाल रहे हैं, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए एडमिट कार्ड जो है आपका वो आपको दो जगह मिलेगा,
ssc.nic.in वेबसाइट पे, और इस बार जो है नोडल एजेंसी जो बनाया है वो CRPF को बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो www.crpf.gov.in इसके ऊपर भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आगे इन फ्यूचर में होने वाली हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब दोनों वेबसाइट्स पे ही आएगा, ठीक है। तो नोडल एजेंसी इस बार CRPF को बनाया गया, ठीक है। अब वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो हम ऑलरेडी एक बार डाल चुके हैं, टोटल वैकेंसी जो है आपकी 54,953 है, यानी ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, इससे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपके आगे नहीं आने वाली है, और काफ़ी टाइम आपने वेट किया है इन वैकेंसीज़ के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, हमारी तरफ से जितना बेस्ट हो पाएगा हम वो देंगे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ढंग से तैयारी कीजिए। उसके बाद इसमें जो है देखिए आगे हम बात करते हैं, अब सबसे पहले एज लिमिट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट का ये कॉलम है, चौथे नंबर पे है। एज लिमिट देखिए इसमें दोस्तों आपकी 18 से लेकर 23 साल तक जो है एज होनी चाहिए, और जो एज ये देखेंगे वो देखेंगे 1 अगस्त 2018 को, यानी जो आपकी अभी आने वाली 1 तारीख है अगस्त में, 1/8/2018 को, इस दिन आपकी एज जो है वो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन कुछ दिए गए हैं वो भी उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है वो उनको जो है 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2000 के बीच में जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इनके इनमें नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है SC कैंडिडेट को, ST कैंडिडेट को, OBC को, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, इन सबको। तो अगर एज रिलैक्सेशन की अगर बात करूँ, ठीक है, तो SC कैंडिडेट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, यानी 28 साल तक, 23 साल वैसे और 5 साल और, 28 साल तक जो है इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC को 26 साल तक मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और, मतलब एडिशनल 23+3, और ये बाकी चीज़ें दी गई हैं, जैसे जो कॉम्युनल वायलेंस जो गुजरात में हुआ था उसमें उनको 8 साल की मिलेगी, ठीक है, और जो बच्चे डिपेंडेंट हैं 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उनको 8 साल की मिलेगी। उसके बाद ये इस तरह से जो है ये रिलैक्सेशन दी गई, ठीक है। उसके बाद जो है आगे जो मेन चीज़ है वो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बारे में अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका देखिए ये बोलता है 10वीं क्लास जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने फिक्स की है, और आपका जो है 1 अगस्त 2018 तक 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जिन लोगों ने अभी जैसे एग्ज़ाम दिए थे किसी ने मार्च वगैरह ने, तो अगस्त तक सबकी जो है आ जाती है 10th की मार्कशीट, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मैच होती है, ठीक है। और जिन्होंने इस तारीख तक जो है जिनकी अगर सर्टिफिकेट नहीं आता है तो वो इस फॉर्म को ना भरें, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके सारे के सारे ओरिजिनल और उनके साथ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये आपको जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम पे आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। NOC अगर आप ऑलरेडी सर्विंग है कहीं पे तो आपको NOC लानी पड़ेगी वहाँ से। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है आपको। तो अप्लाई करने के लिए देखिए आपके पास इन्होंने एक वेबसाइट दी है ssconline.nic.in, ssconline.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आपका आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप चाहते हैं उसके लिए वीडियो बनाना, ठीक है। उसके बाद इसकी फ़ीस जो है वो होगी आपकी 100 रुपीज़, 100 रुपये आपकी फ़ीस होगी नेट बैंकिंग से अगर आप पे करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन चलान भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है सबके साथ जो है ऑलमोस्ट नेट बैंकिंग से ही फॉर्म का अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, ये अलग अलग जो है एग्जामिनेशन सेंटर है उनके कोड दिए गए, ठीक है। इसमें अलग अलग रीजन है, जैसे आपको पता है सेंट्रल रीजन है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, ईस्टर्न रीजन है अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, देन आपका कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला, ये वाला रीजन आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश एंड सब रीजन, MPR, ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन वाइज जो है ये रीजनल जो है ऑफिस के जो वेबसाइट और उनका एड्रेस दिया गया है, और ये वाला एग्जामिनेशन सेंटर है, ये आप खुद देख सकते हो, जब फॉर्म भरोगे आप अपने पास का फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी एक सेकेंड, हाँ जी, एग्जामिनेशन देखिए स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम आपका जो होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे MCQs, ठीक है, और 100 मार्क्स का होगा, और ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, यानी आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होंगे, 25-25 क्वेश्चन हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया गया है 25 मार्क्स का, GK या जनरल अवेयरनेस आपकी है वो 25 मार्क्स की है, 25 क्वेश्चन उसमें आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी 10वीं क्लास तक का आपका जो मैथ है बिल्कुल बेसिक मैथ जो है वो आपका आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के कुछ क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो 25
क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, यानी आपके टोटल जो है 100 मार्क्स आपके होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, यानी ऑलमोस्ट एक मिनट से थोड़ा सा कम हर एक क्वेश्चन के लिए। तो अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूँ जल्दी जल्दी, तो आपका सिलेबस पहले पेपर की बात करते हैं, सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQs बेस होंगे, कंप्यूटर बेस आपका एग्जामिनेशन होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये है एग्ज़ाम होगा। जीके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करूँ, तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है। नॉन वर्बल टाइप की आपकी रीजनिंग आएगी, इसमें जो है आपका एनालॉगी आएगी, सिमिलैरिटी आएगी, डिफरेंसेज आएंगे, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब आपका जो है सिलेबस है। जीके की अगर बात करूँ, तो वही आपका इसमें जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब जो है इसके आते हैं, और करंट इवेंट्स वगैरह आते हैं जो कि 10वीं लेवल के बिल्कुल बेसिक हिसाब से पूछे जाएंगे। उनके लिए जो है हम जल्दी एक जो है डेली वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जीके आपके वहाँ से शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैथ की अगर बात करूँ, तो मैथ में आपका जैसे इन्होंने दिया है नंबर सिस्टम दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने बोला है कि सीधा आप बस बेसिक हिंदी या इंग्लिश को समझने की काबिल आप होने चाहिए, तो ये सब बोला है। उसके बाद जो ये इन्होंने नोट वगैरह दिया, इन्होंने ये बोला है आप कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते हो, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आपको जाना है, ये सब चीज़ें बोली है, तो आपको पता है ऑलरेडी ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते आप एग्जामिनेशन बोल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका जिन बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई होगा, ठीक है, उनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। अगर फिजिकल की बात करूँ, तो फिजिकल देखिए पैट जो आपका होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें जो है मेल कैंडिडेट उनकी रेस होगी 5 किलोमीटर की, जो कि आपको 24 मिनट में जो है पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, तो उनको 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, ठीक है। लेकिन जो लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको 1 मील दौड़ना है सिर्फ, 6.5 मिनट का उनके पास टाइम रहेगा। और जो फीमेल है लद्दाख रीजन की, उनको 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला है पैट के टाइम पे अगर आपके फिजिकल के टाइम पे प्रेगनेंसी जो है वो उसको डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पे लिया जाएगा और आप पैट आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। हाइट वगैरह की अगर बात करूँ मैं, तो देखिए जो जनरल SC और OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो जनरल OBC और SC कैंडिडेट है जो नीचे दिए गए इनको छोड़ के, तो उनकी हाइट जो है मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी शेड्यूल ट्राइब है उनकी हाइट जो है 162.5 और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, नेशनल एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीजन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जितने भी नाम मैंने अभी पढ़े हैं उनके लिए 160 और 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद गढ़वालीज, कुमाऊ, डोगराज, मराठाज और हिमाचल प्रदेश और जम्मू के, आसाम के कैंडिडेट जो भी, उनके लिए 165 और 155, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको नोटिफिकेशन जब देंगे उसमें आप डिटेल से इसको जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की अगर बात करूँ, तो इसमें जनरल SC और OBC कैंडिडेट्स की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद जो है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये वाला क्राइटेरिया वुमेंस के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम चेस्ट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 होनी चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर का जो है आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये भी जो है इसमें अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। वेट की अगर बात करूँ, तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें बहुत बड़ा जो है मेडिकल इन्होंने मतलब काफ़ी सारी टर्म्स बताई हैं, उनको एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम पे आपको जो है अपने सारे सारे डॉक्यूमेंट आपके लेके आने हैं, जैसे मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, आपकी एज प्रूफ करने के लिए, उसमें आपका नाम भी दिया होगा और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी प्रूव हो जाएगी। डोमिसाइल लेके आना है आपका, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेके आना है, और दूसरे जो है सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेके आने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जैसे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट अगर है वो लेके आना है, तो इस तरह से आपके रिफ्यूजी सर्टिफिकेट है वो सब आपको लेके जाने हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है जो आपकी बेटर आई है वो N6 होनी चाहिए, वोर्स आई है N9 होनी चाहिए। तो डायरेक्ट अगर बोलूँ तो आपको चश्मा अलाउड नहीं है, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं वो इस फॉर्म को ना भरें, इसमें लिखा हुआ है।
ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस, ठीक है। तो लेज़र वाले जो बंदे हैं या फिर ग्लास लगाते हैं ये सब अलाउड नहीं है इस फॉर्म में। उसके बाद जो है मेडिकल के कुछ टर्म्स वगैरह दिए हैं इन्होंने, मैं वो आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। टैटूज़ का अगर बात करूँ मैं, तो जो भी टैटू रिलीजियस टैटू हैं अगर, तो वो अलाउड है सिर्फ, उसका भी कोई इन्होंने पर्टिकुलर वो दिया है कि आपका लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए टैटू, और वो भी अंदर की साइड। अगर बाहर की साइड है या कोई और रिलीजियस टैटू के अलावा, यानी ओम लिखवाया है आपने या इस तरह का कोई भी भगवान से रिलेटेड कोई भी टैटू है, तो वो अलाउड है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे अलाउड है वो भी, ठीक है। राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उस हाथ से सल्यूट करना होता है, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आइज़ का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने बताया जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इनमें से आपका कोई भी जो है रीज़न होता है, तो आपका जो है मेडिकल में आप वो हो सकते हो। लाइक आपका अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक है, आँखों में जैसे चिमचिमाहट होती है वो अगर है आपका, अगर आपको कान में सुनने में दिक्कत है, स्टैमरिंग है यानी आप रुक रुक के बात करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अगर टिथ ख़राब है, देन आपका ईयर्स में अगर वैक्स है तो भी आप वो है एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अंडर साइज चेस्ट है, या फिर आपको पाइल्स है, अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद अगर हर्निया है, या फिर कोई डिफेक्टिव इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो मेरे ख्याल से ये जिनको है वो समझदार है। उसके बाद गायनोकोमेस्टिया है, वो भी अलाउड इसमें नहीं है, ठीक है। देन आपका उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में अगर बात करूँ मैं आपसे, तो रिव्यू मेडिकल है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी बीमारी है आपको जो आप ठीक कर सकते हैं उसे, तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है मेडिकल ऑफिसर जो है कुछ टाइम देंगे उस बीमारी को ठीक करने के लिए, ओके। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन आपका फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा, ओके। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी बता चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और जो इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे रिटर्न के बाद, जैसे इन्होंने लिखा है 10 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 55,000 अगर वैकेंसीज हैं, तो 5.5 लाख जो है ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, जो कि आगे फिजिकल रिटर्न वगैरह जो देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल जो होगा वो crpf.gov.in वेबसाइट पे आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी, वो सब हम बाद में वीडियो में डालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाएंगी, और प्रेफरेंस आपको बहुत ध्यान से भरनी है। BSF के लिए कोड A दिया गया है, CSF के लिए B, CRPF के लिए C, SSB के लिए D, देन आपका ITBP के लिए E, असम राइफल के लिए F, NIA के लिए G और SSF के लिए H, ठीक है। ये आप जब फॉर्म भरोगे आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि बाद में प्रेफरेंस आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है आपका केस रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये वही है अगर सेम मार्क्स पे जो कैंडिडेट्स हैं तो उनका कैसे वो करेंगे, तो उसका कोई वो नहीं है। देन आपकी कुछ सज़ा लिखी हुई इन्होंने, अगर आप OMR शीट लेके भागते हो तो आपको 2 साल की सज़ा है, मिसबिहेव करते हो तो 3 साल की सज़ा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट, हाँ, आपका फ़ीस जो है वो आपको 100 rupees पे करनी है, SBI से, चलान से, नेट बैंकिंग कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वुमन कैंडिडेट जितने भी हैं, और कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विस मैन है, उनको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। अप्लाई आप ssconline.nic.in पे जाके कर सकते हो। अप्लाई GD का वहाँ पे एक बटन होगा, वीडियोस के लिए हम अलग से बना देंगे। 20 अगस्त 2018 की जो है उसकी लास्ट डेट है, ओके। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिलेगा, जो नॉर्मल आपका हर एक एग्ज़ाम फॉर्म में जैसे आप भरते हो उसी तरह से सेम टू सेम, ठीक है। देन आपका ये आगे कुछ परफॉर्मेंस आ जाते हैं, ये आप देख लेना, इनमें कोई ऐसा वो नहीं है। सर्टिफिकेट जो है आपको बाद में ही बनवाने हैं, ये इन्होंने बस एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड वगैरह के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने BA किया है मान लीजिए, ठीक है, तो BA का कोड जो है 5 होगा। जब आप वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे 10th के बाद, तो वहाँ पे आपको कोड लिखना है BA का 5, ठीक है। उसके बाद आपका अगर सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बात करें, जैसे किसी ने मान लीजिए BTech किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उनको जैसे 18 सीरियल नंबर भरना है। तो इस तरह से आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन आपका कुछ लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने दिए हैं, ये आप पढ़ लेना। नोटिफिकेशन आपको जो है नीचे हम PDF जो इसका अवेलेबल कराएंगे, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा आपका नोटिफिकेशन है। देखिए नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। 1 second।
आपका टाइम जो है वो बहुत जल्दी जो है ये वाली रिक्रूटमेंट होने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। चार सेक्शन आपके हैं जैसे आपको पता है, 25-25 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 90 मिनट का टाइम आपके पास, 100 क्वेश्चन है आपके पास और 100 आपके मार्क्स हैं, ठीक है। कट ऑफ वगैरह के बारे में आप कुछ मत सोचिए, आप अपनी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। देखिए आपका जो जीके का सेक्शन है उसकी तैयारी हम आपको डेफिनेटली कराने की कोशिश करेंगे। उसमें डेली आपके 10 MCQs की जो है सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसके लिए हम अलग से एक रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। आप अगर चाहते हैं हम ऐसी कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और जितने ज़्यादा हो सकता है उतने अपने दोस्तों के ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर आएंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हमारा काम करने का मन करेगा, उतने ज़्यादा आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। और स्टडी मटेरियल भी हमने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है, वो भी आपको जो है जल्दी हम देने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जो SSC GD के रिगार्डिंग डालेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।